गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, दिस इज अयाज अहमद। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट एसिड वैल्यू एज वेल एज एस्टर वैल्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयोडीन वैल्यू। अब आयोडीन वैल्यू डिस्कस करने से पहले हम एक बात डिस्कस करने जाएंगे। आपको एक पॉइंट याद करना है, ये क्या है आपका, ये भी फैटी एसिड है। यस, फैटी एसिड और फैट और ऑयल है। अब ये भी फैटी एसिड है और ये भी फैटी एसिड है, बट फर्क क्या है इसके अंदर, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब ये सॉलिड है। ये क्या है, सेचुरेटेड फैटी एसिड मतलब सॉलिड रहता है, मतलब ये लिक्विड में नहीं होता है, ऑयल नहीं होता है। जितने भी सेचुरेटेड फैटी एसिड है वो क्या है, सॉलिड होते हैं। और ये यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा, सब सिंगल बॉन्ड है। यस, यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं, बट ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी फैटी एसिड है, बट ये क्या है, सॉलिड नहीं है, बल्कि क्या है, ये लिक्विड है। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल में तीन डबल बॉन्ड है। यस, हर एसिड के साथ एक एक अनसेचुरेशन है, थ्री अनसेचुरेशन है। तो ये अनसेचुरेशन होने के कारण क्या होता है, ये इसका नेचर ऑयली होता है या समटाइम सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड होने के कारण वो उसको सॉलिड नहीं होने देता। यस, जबकि सेचुरेशन जिसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आपको एक फ़र्क याद रखना है, जो अनसेचुरेशन कॉजिंग सेमी सॉलिड और ऑयली नेचर ऑफ फैटी एसिड, और सेचुरेशन मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो उसके अंदर क्या है, सॉलिड और सॉलिड ही होता है नेचर। यस, ओके। नाउ आयोडीन वैल्यू में हम क्या करते हैं, बेसिकली आयोडीन वैल्यू इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी आप क्या ले रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, ऑयल के साथ। यस, ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड होता है। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैट और ऑयल, यानी किसके अंदर, फैट और ऑयल के अंदर कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, मतलब कितने डबल बॉन्ड है। यस, मेजर बाय आयोडीन नंबर, मतलब आयोडीन नंबर के थ्रू आप पता करते हैं कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल बॉन्ड है या फिर कितना अनसेचुरेशन है। तो आयोडीन नंबर इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन डेट कुड ऐड टू द डबल बॉन्ड। यस, अब वो क्या होगा, आयोडीन क्या होगा आपका, जो डबल बॉन्ड होता है ये, यस, ये यहाँ पर आपका आयोडीन ऐड होगा, कहाँ पर, इस डबल बॉन्ड के बीच में आयोडीन। यस, तो उसके ज़रिए आप आयोडीन नंबर पता करते हैं। ये आयोडीन क्या होता है आपका, आयोडीन डबल, ये अनसेचुरेशन पर ऐड होगा डबल बॉन्ड पर। यस, इस डबल बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड, तो वो इस डबल बॉन्ड, ये तीनों डबल बॉन्ड पर ऐड होगा आपका आयोडीन, और उसके ज़रिए पता होगा आपका आयोडीन नंबर। यस यस, आयोडीन इज़ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन डैट कुड ऐड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यस, परसेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, मतलब आप 100 ग्राम ऑयल ले रहे हैं। यस, 100 ग्राम ऑयल लेंगे, अब उसके अंदर आप जो आयोडीन नंबर पता करेंगे तो उससे आपका कितना उसके अंदर अनसेचुरेशन है आप पता कर सकते। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय ट्रीटिंग गिवन सैंपल्स ऑफ ऑयल, यानी आप कैसे पता करेंगे, इट इज़ डिटरमाइंड बाय गिवन सैंपल ऑफ फैटी एसिड और ऑयल विथ ट्रीटिंग, यानी आप उसको ट्रीट करेंगे आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ और आयोडीन इन एथेनॉल। क्या क्या हो सकता है, आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl, यस I2Cl, और या फिर आयोडीन इन इथेनॉल। आयोडीन क्या करेंगे आप, इथेनॉल के अंदर डिजोल्व कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, मतलब आप दो तरीके से कर रहे हैं, एक आयोडीन मोनोक्लोराइड के साथ कर रहे हैं या फिर आयोडीन इन मिथेनॉल, इथेनॉल के अंदर आप क्या करेंगे, आयोडीन को डिजोल्व कर देंगे एक मेथड के अंदर, और एक मेथड के अंदर आप आयोडीन मोनोक्लोराइड। यस, दोनों ही मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड,
किसके प्रेजेंस में मर्क्यूरिक क्लोराइड भी आपको उसके अंदर ऐड करना है। यस, और आपके ये दो अलग अलग मेथड है, आप चाहे आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज़ करो या फिर आयोडीन इन इथेनॉल। यस, दो मेथड है, आयोडीन इन इथेनॉल और आयोडीन इन मोनोक्लोराइड, और किसके प्रेजेंस में मर्क्यूरिक क्लोराइड। यस, सो क्या होगा इसमें, अनरिएक्टेड आयोडीन इज देन कैलकुलेटेड। यस, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर अनरिएक्टेड जो आयोडीन रहेगा उसको आप कैलकुलेट करेंगे। इट गिव्स आइडिया अबाउट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यानी ये क्या देता है आपके, ये आइडिया बताता है कि ये आपके ऑयल और फैट के अंदर कितने अनसेचुरेशन है, मतलब कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है, कितना सिंगल कितना मतलब ट्रिपल और डबल बॉन्ड है। यस यस, प्रेजेंट इन सैंपल, मतलब आपके जो सैंपल है आपका 100 ग्राम फैट और ऑयल के अंदर कितना अनसेचुरेशन है वो पता कर सकते। तो इसके अंदर दो प्रोसीजर आते हैं, मैंने आपको बताया है, दो मेथड से आप कर सकते हैं, आयोडीन मोनोक्लोराइड और फिर या फिर आयोडीन इन इथेनॉल। यस, तो पहला मेथड है प्रोसीजर वन, हबल्स मेथड। क्या है हबल्स मेथड, इसमें क्या करेंगे आप, फैट और ऑयल सैंपल इज डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप क्या करेंगे, फैट और ऑयल को आप क्या करेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में डिजोल्व करेंगे एंड इस ट्रीट विथ, किसके साथ ट्रीट करेंगे, ट्रीट विथ एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इस ट्रीट विथ एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉलिक आयोडीन। यस, मैंने आपको बताया आयोडीन इन इथेनॉल, यानी आप क्या करेंगे, फाइट और ऑयल को आप क्या करेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में डिजोल्व करेंगे, उसके बाद उसको उसको एक्सिस किसके साथ ट्रीट करेंगे, इथेनॉल आयोडीन के साथ। यस, आयोडीन इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड भी आप कुछ अमाउंट में डालेंगे। यस, फुल स्टॉप। अनयूज आयोडीन इज then calculate by titration with standard solution of sodium thiosulfate। मतलब आप क्या करेंगे, पहले इनको react करेंगे किसको किसको, आपके fat, yes fat को carbon tetrachloride में आप dissolve करेंगे, उसके साथ साथ उसको reaction किसके साथ करेंगे, ethanol iodine, yes ethanol iodine के mixture के साथ in presence of mercuric chloride, और उसके बाद आप इस मिक्सचर को कोनिकल फ्लास्कों को आप क्या करेंगे, यानी आप ये रिएक्शन किस में कर रहे हैं, कोनिकल फ्लास्कों में, मतलब इसमें फैट भी ले रहे हैं उसके साथ उसको डिजोल्व कर रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, उसके साथ उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, आयोडीन इन इथेनॉल का मिक्सचर डाल रहे हैं आप, उसके साथ साथ उसमें आप मर्क्यूरिक क्लोराइड भी डाल रहे हो, उसको रिएक्ट कर रहे हो। अब उसमें होगा क्या, जितना भी आपका आयोडीन रहेगा वो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, आपके मिक्सचर के साथ, फैट के साथ। यस, फैट जो आपने डिजोल्व किया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपने इथेनॉल और आयोडीन जो लिया है, तो उसमें से आयोडीन क्या होगा, आपके फैट के साथ रिएक्ट करेगा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपने डिजोल्व किया। बट जितना फैट क्या होगा, रिएक्ट करेगा आपके आयोडीन के साथ, वो तो रिएक्ट हो जाएगा, बट रिमेनिंग जो आयोडीन जो बच जाएगा, जो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उस आयोडीन को आप क्या करेंगे, किसके साथ लेंगे, उस बीकर को आप ट्रीट करेंगे, उस बीकर को आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, एक ब्यूरेट लेंगे, ब्यूरेट के अंदर आप क्या करेंगे, ब्यूरेट आपको मालूम है आप स्टैंड पर लगाते हो, उसके अंदर ब्यूरेट के अंदर सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, सोडियम थायोसल्फेट। यस, तो आप उस बीकर को आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब ब्यूरेट में आपका क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट होगा, और बाकी का जो आपका मिक्सचर आपने जो ऊपर रिएक्शन परफॉर्म की सोडियम फैटी एसिड इन CCl4 विथ आयोडीन इन इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो इसमें जो बचा हुआ आयोडीन जो रह चुका रहेगा उसको आप किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ये हुआ आपका हबल्स मेथड। यस, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड बी, विज मेथड, WAWIJ विज मेथड। तो अब यहाँ पर क्या है,
दिस मेथड यूजेस आयोडीन मोनोक्लोराइड। पहले आपने क्या किया है हुबल्स मेथड में आयोडीन इन इथेनॉल, बट यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे विज मेथड में, विज मेथड में आप क्या करेंगे आयोडीन मोनोक्लोराइड को यूज करेंगे। यस, सैंपल लेंगे उसके साथ, उसके अंदर क्या करेंगे आप ले क्या लेंगे आप फाइटी एसिड लेंगे और फाइटी एसिड इन क्लोरोफॉर्म और या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें क्या ऐड करेंगे आप आयोडीन मोनोक्लोराइड इन एसिटिक एसिड। मतलब आप आयोडीन मोनोक्लोराइड एक सॉलिड को आप कैलकुलेट कर वेट करेंगे, ये यस क्या है उसके सॉलिड आता है आयोडीन मोनोक्लोराइड क्या है सॉलिड होता है और ये सॉलिड होता है इसके कारण आप उसको वो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, तो आप क्या करेंगे उसको एसिटिक एसिड के अंदर आयोडीन मोनोक्लोराइड को डिजॉल्व करेंगे। यस, आयोडीन मोनोक्लोराइड को आप किसके अंदर डिजॉल्व करेंगे एसिटिक एसिड के अंदर डिजॉल्व करेंगे। यस, और क्या यहाँ पर दिस मेथड यूजेज आयोडीन मोनोक्लोराइड इन एसिटिक एसिड इन प्लेस ऑफ आयोडीन। मतलब आपने इससे पहले के प्रोसीजर हर्बल्स मेथड में क्या पढ़ा है आयोडीन इन इथेनॉल, तो यहाँ पर आप आयोडीन इन इथेनॉल की जगह आप क्या यूज़ कर रहे हैं आयोडीन मोनोक्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड इन एसिटिक एसिड। यस, तो यहाँ पर आयोडीन इन मोनोक्लोराइड इन एसिटिक एसिड आप यूज़ कर रहे हैं। यस, आयोडीन मोनोक्लोराइड रेडियली कंबाइन विथ डबल बॉन्ड। क्या है यहाँ पर एडवांटेज आप देख सकते हैं, पहले आपने हर्बल्स मेथड में क्या यूज़ किया आयोडीन इन इथेनॉल, यस इसका मिक्सचर यूज़ किया है, बट वहाँ पर क्या होता था जो आपका आयोडीन होता था फ्री आयोडीन वो डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता था, बट सेकंड मेथड में दैट इज WAIJ मेथड, विच मेथड में आपका जो आयोडीन मोनोक्लोराइड है इसके अंदर का जो आयोडीन है वो क्या करता है फौरन रिएक्ट करता है, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन करता है किसके साथ डबल बॉन्ड के साथ। यस, डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से आपका रिएक्शन होगी। यस, डबल बॉन्ड के साथ इन प्रेजेंस बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि प्रेजेंट होता है आपके फैट और ऑयल के अंदर। यस, तो विज मेथड में हम आयोडीन मोनोक्लोराइड यूज़ करेंगे क्योंकि आयोडीन उसके अंदर का जो आयोडीन है वो रेडियली रिएक्ट करता है आपके डबल बॉन्ड, दैट डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन आपके आपके किस में होता है वो फैटी एसिड और ऑयल के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है, तो उस डबल बॉन्ड के साथ आयोडीन मोनोक्लोराइड फौरन रिएक्ट करता है। यस, एंड देन अनरिएक्टेड आयोडीन, अब इसके अंदर भी क्या होगा अनरिएक्टेड जितना हो सकता था डबल बॉन्ड के साथ आपके आयोडीन ने रिएक्ट कर लिया है, बट होता क्या है जो सपोज आपने 100 ग्राम लिया 100 ग्राम में से 70 ग्राम आपका आयोडीन रिएक्ट हो गया और बाकी बचा 30 ग्राम, कितना 30 ग्राम आयोडीन बचेगा, तो उस 30% आयोडीन को अनरिएक्टेड आयोडीन को क्या करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मतलब आप क्या करेंगे उसके अंदर जो अनरिएक्टेड आयोडीन रहेगा उसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे थ्रू एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड टाइट्रेशन विथ, पहले आप क्या करेंगे अनरिएक्टेड आयोडीन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, आप क्या करेंगे पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। यस, और उसके बाद उसको टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, टाइट्रेशन विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, यानी आपने क्या किया बीकर के अंदर आयोडीन मोनोक्लोराइड ले लिया और उसके अंदर तो एसिटिक एसिड भी रहेगा, अब ये क्या होगा ये रिएक्शन कर उसके साथ साथ उसमें आप लेंगे फैट और ऑयल भी लेंगे। यस, एक क्वांटिटी लेंगे स्पेसिफिक क्वांटिटी, उसके अंदर आप मोनोक्लोराइड आयोडीन मोनोक्लोराइड एंड फैट एंड ऑयल लेंगे, यस कोई भी ले सकते हो, उसके बाद जितना आयोडीन आपका रिएक्ट करेगा उसके डबल बॉन्ड के साथ किसके डबल बॉन्ड आप फैट और ऑयल के डबल बॉन्ड के साथ जितना भी आयोडीन रिएक्ट होगा और उसके बाद जो अनरिएक्टेड आयोडीन रहेगा उस तो वो तो बचा रहेगा बस, बट उसमें आप क्या करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे आप पोटेशियम आयोडाइड को आप ऐड करेंगे, अब उस पोटेशियम आयोडाइड के एडिशन के बाद आप उसको क्या करेंगे आप एक ब्यूरेट लेंगे, स्टैंड के अंदर ब्यूरेट लगाएंगे, ब्यूरेट के अंदर आप भर देंगे, क्या भरेंगे
सोडियम थायोसल्फेट, यस सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज ए इंडिकेटर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इस मिक्सचर के अंदर जब आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया तो उसके अंदर आप स्टार्च ऐड करेंगे, क्या करेंगे स्टार्च के 2-3 ड्रॉप डालेंगे, यस, और उसको टाइट्रेट करेंगे। ब्यूरेट के अंदर आप क्या भरेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट ऐड करने के बाद उसको टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, यस। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद आप उसकी आयोडीन वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडीन मोनोक्लोराइड ICl प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, तो इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन बन रहा है, यस। अब उसके बाद आयोडीन वैल्यू का विच फार्मूला, विच के हिसाब से ये फार्मूला है, ए इन ब्रैकेट A minus B ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 1.27, यस, डिवाइड बाय W। तो अब यहाँ पर क्या होता है, A इक्वल टू रीडिंग फॉर ब्लैंक, ब्लैंक करेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप A के अंदर आपने ऐसे सेपोनिफिकेशन वैल्यू में A के अंदर आप क्या करेंगे, सेम रिएक्शन करेंगे बट उसके अंदर फैट एंड ऑयल नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक रिएक्शन करेंगे। मतलब इसके अंदर होगा क्या, आप आयोडीन मोनोक्लोराइड लेंगे, उसके साथ साथ उसमें आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे, उसके साथ साथ उसको आप क्या करेंगे, टाइट्रेट किसके साथ करेंगे आप, सोडियम थायोसल्फेट एंड स्टार्च एज ए इंडिकेटर। तो ये हो जाएगी ब्लैंक, ब्लैंक में क्या आप नहीं लेंगे, आप फैट और ऑयल नहीं लेंगे, यस, मतलब उसमें ऑयल और फैट नहीं लेंगे, इसका मतलब ये क्या रहेगा, वो ब्लैंक टाइट्रेशन रहेगा। और बी क्या है, बी रीडिंग फॉर एक्चुअल टाइट्रेशन, तो ये बी रीडिंग क्या है आपका, बी रीडिंग में आप क्या लेंगे, फैट लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में फैट लेंगे, उसके बाद आप क्या लेंगे, आयोडीन मोनोक्लोराइड लेंगे, उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे जो कि अनरिएक्टेड आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर स्टार्च आयोडीन, स्टार्च एज ए इंडिकेटर, और उसको टाइट्रेशन किसके साथ करेंगे आप, सोडियम थायोसल्फेट के साथ करेंगे, तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो बी रहेगी। और W क्या है, वेट ऑफ फैट और ऑयल, यस, वेट ऑफ फैट और ऑयल W रहेगा। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू टेल्स द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्या बताता है ये आयोडीन वैल्यू, आपके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताता है, जो कि कहाँ पर होता है, फैट और ऑयल के अंदर, यस। उसके बाद फुल स्टॉप, हायर द आयोडीन वैल्यू हाईली अनसेचुरेशन द गिवन फैट, यस, यानी जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा उतनी ज़्यादा आपकी आयोडीन वैल्यू होगी, यस, सॉरी फैट अनसेचुरेशन होगा, यस, जितना ज़्यादा आयोडीन नंबर होगा उतना ज़्यादा आपकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा, यस। उसके साथ साथ आपका आयोडीन वैल्यू गिव आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट्स, आयोडीन वैल्यू आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैट एंड ऑयल एंड इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग adulterations इन द गिवन सैंपल। मतलब इसमें क्या पता कर सकते हैं आप, ये पता कर सकते हैं कि आपके ऑयल के अंदर कितनी मिलावट हुई, उसने कोई आपका जो ऑयल है सनफ्लावर ऑयल उसके अंदर हो सकता है उसने पाम ऑयल मिला दिया, यानी सनफ्लावर ऑयल का क्या होता है, रेट ज़्यादा होता है, यस, रेट ज़्यादा होता है। उसके बाद कोकोनट ऑयल आता है, ये इसका भी रेट ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ पीनट ऑयल, यस, इसका भी, फल्ली का तेल, इसको क्या बोलते हैं, फल्ली का, तो इसमें भी क्या होता है, ये कॉस्टली होता है। तो कस्टमर क्या करते हैं, बेसिकली शॉपकीपर इसके अंदर आपके ऑयल के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर लो क्वालिटी का ऑयल मिक्स कर देते हैं। क्या करते हो, लो क्वालिटी का ऑयल मिक्स कर देते हैं या फिर और कोई ऑयल मिला देते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर अडल्ट्रेशन आ जाता है, मतलब मिलावट बोलते हैं उसको। तो इसको भी पता करते हैं हम, किसको, किसके ज़रिए, थ्रू आयोडीन
value. Yes. So with this point, I am going to finish this lecture. Hope you may understand this point.